देखो साइक्लोट्रॉन में ड्यूट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड इन साइक्लोट्रॉन दैट हैज एन ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी 10^7 हर्ट्स। ठीक, तो इसके अंदर ड्यूट्रॉन्स बोला, इलेक्ट्रॉन नहीं बोले, क्योंकि साइक्लोट्रॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को ही क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। तो ड्यूट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड इन साइक्लोट्रॉन दैट हैज एन ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की हमने आज स्टडी की 10^7 हर्ट्स है, एंड डी रेडियस ऑफ, डी का रेडियस गिवन है। व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नीडेड टू एक्सेलरेट ड्यूट्रॉन्स? देखो मुझे इतना पता है, मुझे फ्रीक्वेंसी पता है। टाइम पीरियड क्या होता है? 2πm/bq। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, जो कि क्या होगा, bq/2πm। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकालना है, बी निकालना है। फ्रीक्वेंसी पता है, मास ऑफ ड्यूट्रॉन पता है, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन पता है, आंसर। तो पहला पार्ट क्लियर है। तो जितने भी साइक्लोट्रॉन के क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, राइट? उसके बाद इसी क्वेश्चन में व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन्स एमर्जिंग फ्रॉम साइक्लोट्रॉन? तो कितनी एनर्जी से वो ड्यूट्रॉन बाहर निकल रहा है साइक्लोट्रॉन से? अब ये करने के लिए एक पॉइंट समझो, ठीक है? जब कोई ड्यूट्रॉन या कोई भी पार्टिकल साइक्लोट्रॉन से बाहर निकलता है, तो मेरे ख्याल से ये तो सबको समझ में आता है कि उसकी जो वेलोसिटी होती है आखिरी चक्कर में, जो उसकी वेलोसिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, मैक्सिमम। मानते हो चीज? अच्छा, जो रेडियस होता है आर, या जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है सर्कल में, तो हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं बी क्यू वी साइन 90 इज एम वी स्क्वायर बाय आर। मानते हो चीज? हम ये लगाते हैं। अगर मैं ये कहूं कि ये आखिरी चक्कर के लिए लगाओ, ड्यूट्रॉन का आखिरी चक्कर, आखिरी चक्कर में वेलोसिटी क्या रहेगी और रेडियस भी क्या रहेगा, ठीक हो गया? तो यहां से वेलोसिटी कैंसिल, तो मैक्सिमम वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बी क्यू आर मैक्स डिवाइडेड बाय एम। क्या ये पॉइंट क्लियर है? मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। तो अगर मैं बोलूंगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोलो इस ड्यूट्रॉन की, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जगह हम क्या पुट करेंगे, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स की जगह क्या आ गया, बी क्यू आर मैक्स बाय एम का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी, समझ में आ रहा है? तो ये देखो, उसने भी क्या पूछा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो जो मैं अभी फॉर्मूला बना रहा था ना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का, वो यही है। उसे स्क्वेयरिंग करके सॉल्व करोगे हाफ एम वी स्क्वायर, तो यही आएगा। वेयर आर इज द रेडियस ऑफ डी, रेडियस ऑफ डी क्या है, मैक्सिमम रेडियस, क्योंकि आखिरी रेडियस डी के रेडियस के इक्वली अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा। तो ये फॉर्मूला क्लियर है। अब आपको क्यू पता है, बी पता है, आर पता है, एम पता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड। ये भी क्लियर है यहाँ तक कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब निकलेगी, आखिरी चक्कर में। तो आखिरी चक्कर में अगर आप वेलोसिटी निकाल लें हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन अ साइक्लोट्रॉन मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ बी गिवन है इज यूज टू एक्सेलरेट प्रोटॉन्स। तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट कर रहे हैं। ठीक है, हाउ रैपिडली शुड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन डी बी रिवर्स्ड? हाउ रैपिडली का मतलब कितनी जल्दी, यानी कि या तो टाइम निकाला जाए या फ्रिक्वेंसी निकाली जाए ऑसिलेटर की। तो एक बात बताओ कि ऑसिलेटर का जो टाइम पीरियड होता है, हमने कितना कैलकुलेट किया था, ऑसिलेटर का टाइम पीरियड था कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 × 2πm/, बस एम पता है, क्यू पता है, बी पता है, ऑसिलेटर का टाइम पीरियड आ गया। और अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 1/ टाइम पीरियड लेंगे तो क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने करवाया नहीं, कुछ अलग तरीके से सॉल्व होगा। इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या होता है, वी,
तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल प्रोवाइडेड बाय रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, इस ऑसिलेटर को रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर बोलते हैं, इस 20 किलो वोल्ट। तो मैंने मैक्सिमम जो वोल्ट अप्लाई किया वो कितना है, 20 किलो वोल्ट अप्लाई किया। फाइंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय द प्रोटॉन इन साइक्लोट्रॉन टू अचीव 1/5 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। वो कह रहा है कि मैंने डीज में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था प्लस माइनस करके, या मैंने डीज में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था। देखो प्लस माइनस में या तो ऐसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, या बोलेंगे पोटेंशियल अप्लाई किया, बात तो एक ही है, ई अप्लाई किया या वी अप्लाई किया। तो डीज में वी अप्लाई किया गया, किसको मिला वो वी, प्रोटोन को मिला। प्रोटोन का चार्ज क्या है, क्यू, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला, वी। तो क्या मिली, एनर्जी। उस एनर्जी से प्रोटोन मूव करता है सर्कल में। क्लियर है यहां तक? तो एनर्जी निकालने का मतलब जरूरी नहीं है कि हाफ एम वी स्क्वायर आएगा, एनर्जी निकालने का मतलब चार्ज इनटू पोटेंशियल से भी एनर्जी आएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो मान लो आपके डी ने इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव किया, तो वी अप्लाई किया, तो ये जो वी अप्लाई किया उससे पार्टिकल ने बताओ सर्कल कंप्लीट किया कि सेमी सर्कल कंप्लीट किया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सर्कल की सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। सर्कल करने के लिए इस चार्जेस को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स, तो फिर से वी अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं ये बोलूं कि अगर पार्टिकल ने आधा चक्कर कवर करना है बस, तो उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, क्यू इंटू वी, और अगर पूरा चक्कर कवर करना है तो क्यू इंटू टू वी, क्यू वी प्लस क्यू वी, तो पूरा चक्कर कवर होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अगर मैंने चार्ज लिया क्यू, पोटेंशियल लिया वी, तो ये पॉजिटिव लिया, ये नेगेटिव लिया डी, तो पॉजिटिव नेगेटिव करने से सिर्फ सेमी सर्कल कंप्लीट होगा क्यू इंटू वी। क्लियर है? और फिर चार्जेस ऑपोजिट किए, वी फिर अप्लाई किया, चार्ज इंटू पोटेंशियल एनर्जी फिर मेरी लग गई, तो अगला सेमी सर्कल। तो पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए क्यू वी और क्यू वी टू क्यू वी, तो एक चक्कर कंप्लीट होता है। तो एन चक्करों में कितनी एनर्जी लगेगी, एन इंटू क्यू इंटू टू वी, क्यू इंटू टू वी में एक चक्कर है, एन चक्कर कंप्लीट करने में एन टाइम्स क्यू इंटू टू वी। ये स्टेप क्लियर है? ठीक है, तो ये देखो इसमें एन टाइम्स ई इंटू टू वी, तो इसमें प्रोटोन है, चार्ज प्रोटोन पे ई है, और एक चक्कर के लिए पोटेंशियल कितना अप्लाई करना पड़ता है, टोटल कंप्लीट सर्कल के लिए 2v, और n चक्कर है तो टोटल एनर्जी इतनी। अब वो एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी उसे, काइनेटिक, हाफ एम वी स्क्वायर, तो इतनी एनर्जी देने से वो वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा। अब वो कह रहा है कि वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके n निकालना है, इसमें नंबर ऑफ चक्कर निकालने हैं, v की वैल्यू कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट का 1/5, तो v की जगह c बाई 5 सॉल्व कर लो, m पता है, v पता है, c पता है आंसर। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैसे निकलेंगे, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी में ये चीज़ हमने डिस्कस नहीं की।